गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया हमने एक एक्सिस मान लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर की तरफ जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं, कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने माना कि यहां पे एक पॉइंट है पी जिसका पोजीशन है आर, यहां से ओरिजिन से इसका पोजीशन है आर। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां पे एक हमने चार्ज लिया क्यू। ठीक है, अब इस चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी क्यू ई, क्योंकि ई होता क्या है, ई होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग गया इस पे क्यू ई। हमने बोला कि ये पॉइंट है पी। अब इसको क्या किया कि इस पी से पी डैश पे ले गए आर डी आर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट करके। ठीक है, ये जो एंगल है इसके बीच का थीटा है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी होगा और वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, और F कितना है, क्यू ई, तो ये हो गया F डॉट डी आर, ये बन गया क्यू ई डॉट डी आर। अब आपको पता है कि माइनस ऑफ वर्क डन ये क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर माइनस साइन के साथ। ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन क्यू, क्यू से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, एक लेसन। ठीक, अब इसको मिटा देता हूं मैं। रिलेशनशिप आ गया क्या, डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करूं, क्या आया, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, इसको यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये देखिए, ये है ग्रेडियंट। कोई भी चीज डिस्टेंस के हिसाब से या पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब डिक्रीज करती है तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं। और ये क्या है, पोटेंशियल। इस टर्म को पूरे हो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में लें, मान लीजिए ये जो ई है ऐसे होता, ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के। ठीक है, और ये जो पोजीशन है डी आर, ये होता मान लीजिए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस ये डी है ना, डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, अब हम लोग यहां पे अगर इसको डालें इंटीग्रल फॉर्म में तो ऐसे वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। और यहां से क्या आ जाएगा, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई से होता है, जे का जे से होता है, के का के से होता है, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स प्लस
EY DY प्लस EZ DZ, एक रिलेशनशिप ये आ गया। ठीक, ये सब सिंपल रिलेशनशिप है, इसके क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से इसको मिटाया। अब देखिए, मैंने इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल ऑपरेटर के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके लिए बस इतना सिंपल, मतलब आसान भाषा में समझने का बात है कि अगर आप डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो वी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आप डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो वी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आप डीवी अपॉन डीजेड करेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको कभी डिटेल में डेल ऑपरेटर को पढ़ेंगे जब वेक्टर वगैरह में कभी डिस्कस करेंगे, इस यहाँ पे इतना समझने के लिए काफी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पोटेंशियल इन द रीजन इज गिवन बाय दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इस पॉइंट, क्या करेंगे, सिंपली यहां रख देंगे माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और वी की जगह पे क्या है ये वाला 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, फिर ये वाला टर्म है तो डेल डेल वाई 6xy माइनस वाई प्लस 2yz प्लस डेल अपॉन डेल जेड, फिर से 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। ठीक, अब आपको डिफरेंशिएट करना है, जब इस वाले टर्म का करना है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिंपल सा आपको चीज को रखना है। अब इसमें देखिए, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो इस वाले टर्म में ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो। यहां क्या बच गया, यहां पे आई कैप, यहां पे जे कैप और यहां पे के कैप। तो यहां देखिए 6y बच गया, यहां से जो माइनस बाहर चल रहा है 6y आई कैप, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 6 और y कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसमें x है नहीं तो ये दोनों का जीरो हो गया। अब इसमें आइए, इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y यहां भी है और यहां भी है, दैट मींस तीनों टर्म में डिफरेंशिएशन होगा। यहां करेंगे तो क्या होगा, x कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 6x हो गया, y का माइनस 1 और यहां पे प्लस 2z, ये हो गया j। और यहां पे z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां z नहीं है, यहां z नहीं है, z यहां पे है केवल, तो यहां पे क्या हो गया 2y k। अब पूछा कहां पे गया है, पूछा गया है आपसे 110 पे। ठीक है, तो e कहां पे 110 पे, तो जहां x है वहां 1 रखेंगे, जहां y है वहां 1 रखेंगे, जहां z है वहां पे 0 रखेंगे, रख दीजिए माइनस y की वैल्यू 1 तो 6 आए 1 माइनस 1 प्लस z 0 है तो क्या आ गया 5, यहां पे 6 इंटू 1 6 माइनस 1 5 बच गया और j, और यहां पे k में y की वैल्यू 1 है तो 2k। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और पोटेंशियल गिवन था, सिंपली हमने डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे यहां कहा गया है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है और आपसे पोटेंशियल पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक, गिवन क्या है आपको इसमें यही देखना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको निकालना क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए
क्या फॉर्मूला था, माइनस ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक, 403 से लेके कहां से कहां तक, 1030 तक, बस फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया। अब वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस ई, ई की वैल्यू क्या है, 5i cap - 3j cap डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डी आर, डी आर क्या होता है, dxi + dyj + dzk, कहां कहां से, कहां से कहां तक, 403 से 1030 तक। अब डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ होगा, ये 5 dx आ गया, और ये माइनस 3 dy आ गया, ठीक, z का टर्म है नहीं तो जीरो हो गया। कहां कहां से, 403 से 1030, और ये 403 से लेके 1030। अब यहां देखिए 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया माइनस 5। अब x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x का लिमिट लगेगा, dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 4 से लेके 10 तक, माइनस 3 बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन y, और y का लिमिट लगेगा 0 से लेके 3 तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10 - 4 6 - 30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 9 तो आ जाएगा -21, ठीक है, किलो वोल्ट। ये था सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला मेन आपको सीखना था ये होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो E डॉट dr करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए तो डेल V करेंगे, डेल ऑपरेटर V, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। थैंक यू, मैं हूं रंजन मिश्रा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ाइए, थैंक यू।